नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्रीन पे आपको गायें दिखा दे रही है, आयरशायर ब्रीड की ओरिजिनल, जिसको बोलते हैं कि जो स्कॉटलैंड में आप गूगल सर्च करके गायें देखते हैं, जिस प्रकार की क्वालिटी देखते हैं अर्डर की, गायें की फेस की और कलर ब्रीड की जो खासियत है उनमें, तो वो इस गाय में आपको बखूबी दिखाई दे रही होगी। तो अगर ये बोला जाए कि ऐसी गायें तैयार करने के लिए फार्मर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने ही जनरेशंस तक जैसे तैयार करके एनिमल ऐसा तैयार किया जा सकता है, तो ये हमारे पास आज सेल के लिए अवेलेबल हुआ है एनिमल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है। चलो मैं तो एक चीज़ ये मानता हूँ कि अगर किसी ने एनिमल ऐसा रखा हुआ है तो वो सेल करने की बात कभी नहीं आती। ये सारा ही टोटल फार्म सेल हुआ था, तो उसमें से हमने एनिमल, तो पूरे फार्म में से हमने ये एनिमल निकाला टॉप का, जिसकी अभी कल ही काविंग हुई है और नीचे होलस्टीन फ्रीजियन की फीमेल काफ इसके नीचे आई है। इसका बताना चाहें फर्स्ट टाइमर का 34-35 लीटर फार्मर ने निकाला, जिसका रिकॉर्ड सारा हमें दिखाया गया है। अगर दांतों में बात की जाए तो ये बछड़ी 6 दांत ओरिजिनल है। मैं इसके पूरे दांत चेक कराऊंगा, 2 अभी दूध के दांत इसके खड़े हुए हैं। अगर किसी को देख के लगता है कि ये लैक्टेशन में ज़्यादा होगी, थर्ड लैक्टेशन हो गई है या कुछ है, तो उनका भी वहम दूर किया जाएगा। दांत दिखाऊंगा, पूरे 6 दांत कर रही है। साइड वाले 2 अभी दूध के दांत खड़े हैं, और दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं हैं। तो एक बार आप पहले एनिमल को परखिए, देखिए बॉडी स्कोर एनिमल का इतना शानदार है कि अभी देखिए कल काविंग हुई है, तो एनिमल अभी पेट भरना शुरू किया है। जैसे कि चारा वगैरह अभी पूरी तरह से नहीं उठाता एनिमल नई जगह में आता है तो, पर फिर भी एनिमल का बॉडी स्कोर BCS इतना अच्छा है, अडर में गैप इतना अच्छा है कि इससे आगे मिल्क लाइन के एनिमल तैयार किए जा सकते हैं। तो आप भी देखिए कि अगर इतनी जनरेशन से ये एनिमल तैयार किए जा रहे हैं, तो ये फार्मर से हमें जब बातचीत की तो हमें पता चला कि उन्होंने तकरीबन 12-13 साल से गायों की ब्रीडिंग की हुई है, जिससे कि बहुत अच्छी एक आयरशायर गाय से उससे उन्होंने आगे ये ब्रीड तैयार की, और इससे आगे अभी जो HF की बछड़ी आई है वो इतनी शानदार बछड़ी है कि वाइट और ब्लैक कलर में उसके पैचेस हैं पूरे, और ब्रीड के मामले में इससे आगे ब्लड लाइन तैयार की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा है कि पंजाब में भी गिने चुने लोग हैं जिनके पास की आयरशायर गायें अवेलेबल हैं, और इस टाइप की गायें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंपटीशन में अगर कोई आयरशायर उतारे तो इसके मुकाबले की आयरशायर पंजाब में भी मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिनके पास भी है ना, तो वो जिनके पास भी ऐसे एनिमल है ना, तो वो सेल करते हैं ना ही वो आगे किसी को देना चाहते हैं। बाकी हमारा यही मकसद रहता है कि जो अच्छे से अच्छा एनिमल आए वो फार्मर्स को एक बार दिखाया जरूर जाए। लेना नहीं लेना सबकी अलग बात है, कुछ लोग रेट को लेके बहुत कमेंट करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा वीडियोस हमारी, एक जर्सी की भी डली थी 2 दांत की, तो जो 1,20,000 हमने दाम किया था वो 1,20 में ही सेल हुई, पर कुछ लोगों का था कि ये रेट बहुत ज़्यादा है ये है। मैं तो एक चीज़ पे बात बिलीव करता हूँ कि अगर किसी ने लेनी है तो वो अपने अनुभव से लेगा, अपना देख के लेगा कि अगर ऐसा एनिमल उनको मार्केट में मिल रहा है नॉर्मली, तो अलग बात है। जैसे कि हम लोग HF की बात करते हैं तो HF हमें नॉर्मली मिल जाती हैं, हम लोग 60,000 की बात करें या हम लोग 1.5 लाख की भी बात करें तो एनिमल सभी तरह के अवेलेबल हैं। पर आयरशायर में अगर जाएं तो आयरशायर में ब्रीड ही मिलना बहुत मुश्किल है, और जिसमें कि अभी कल काविंग हुई है, अडर का गैप देख लो आपकी, अभी थोड़ी स्वेलिंग है, चारों थनों का गैप कितना अच्छा है, और पूरा पार्टीशन वाला अडर है उसका, आगे से भी उतना ही अडर है जितना पीछे से है, और पूरा जड़ से ऊपर से आप देखिए कि पूरा जुड़ा हुआ अडर है, कोई से ये नहीं है कि लूज अडर है जिसको हम बोलें। अब इस गाय को चला के भी हम वॉकिंग में दिखाएंगे आपको कि कितनी शानदार गाय है, और अगर किसी ने लेनी है तो ये सेल के लिए अवेलेबल करवाई है, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपने पास रखें, या हमारा भी एक ही मकसद रहता है कि एनिमल्स अच्छे से अच्छे अवेलेबल कराए जाएं, क्योंकि फार्मर्स के पास जिनको इनकी ज़रूरत है तो इनको मिल सके। पर ये बात बहुत देखी गई है कि जब एनिमल सेल हो जाता है तब उसके बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अब जैसे कि ये एक सिंगल डिमांड है, एनिमल सिंगल अवेलेबल है हमारे पास आयरशायर, तो इसके बहुत सारे कॉल्स आएंगे कि ये हमें अवेलेबल कराया जाए, पर ये ऐसा एनिमल दोबारा मिलना हम पहले ही बोल देते हैं कि बहुत मुश्किल है, और हम कोई गारंटी नहीं देते कि ऐसा एनिमल दोबारा भी मिले हमें कभी। पर जिसने लेना है तो ये 1 दिन की काव हुई बच्चा, मतलब गाय जो ताज़ा बच्चा दी हुई, आप अवेलेबल है हमारे पास, आप ले सकते हैं। और इंटरेस्टेड जो लोग हैं हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसका
क्योंकि रेट मांगने को तो फार्मर भी इसका 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे। हम डिमांड करने वाली बात नहीं कहते, हम तो जो फिक्स रेट है हम वही बताएंगे। देखिए मैंने दांतों की बात की थी तो ये देख लिए दूध के दांत, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरी तरफ का भी दिखा दो भाई। ये देख लीजिए दूध के दांत दोनों तरफ बराबर खड़े हैं और हाइट को आपको सामने जज कर सकते हैं कि पीछे चला जाओ एक बार हाइट दिखा दो गायें की कि कितनी हाइट है। बिल्कुल सामने अभी ये देख लीजिए कि इतनी हाइट ब्रीड की गायें आयरशायर में आपके पास अवेलेबल हो रही है, इस टाइम सेल के लिए अवेलेबल है। किसी ने बुक करनी है तो फाइनल रेट इसका जो रहेगा पूरा 1.5 लाख रुपये है। रेट ज़्यादा है कम है इसके लिए हम बहुत सारे कमेंट्स देखते भी रहते हैं, पर मुझे एक चीज़ की बात है कि अगर किसी के पास इस टाइप का आयरशायर एनिमल अवेलेबल हो तो मैं 1.5 लाख में भी परचेज करने के लिए तैयार हूँ। जो ताजी बच्चा दी हुई हो, 6 दांत हो, नीचे बछड़ी हो और इस टाइप की अर्डर क्वालिटी होगी, मैं गारंटी के साथ कम से कम ये बोल सकूँ कि 40 लीटर दूध इसके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनिमल आप भी अवेलेबल बहुत सारे देखते हैं कि अगर किसी ने लेनी हो, शौकीन आदमी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 1.5 लाख रुपये में आयरशायर गाय। तो बाकी आप देख लीजिए कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं, इच्छुक फार्म में से खुली घूमती आई है, अभी थोड़ा रस्सी से डर रही है। जिनको ब्रीड ब्लड लाइन पे काम करना है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 HF के दाम में आपको ये एक आयरशायर मिलेगी, पर जब हमें भी ये है कि इससे कम अगर कोई बोलेगा तो रेट देने का सवाल नहीं है, फिर तो हम अपने मतलब पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे फार्म पे ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं ये गायें। तो अगर किसी ने लेनी है तो कांटेक्ट करें, ये सिंगल गायें हमारे पास आयरशायर में अवेलेबल है और कोई बछड़ी या फिर गायें अवेलेबल नहीं है आयरशायर में। तो जिसने लेनी है कॉन्टैक्ट करके इसकी बुकिंग कर लें, ये लिमिटेड एनिमल जो अवेलेबल है ये देख लीजिए कितनी टॉप क्वालिटी का तो आज के लिए अवेलेबल है। बाकी वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।